Spirit Jolly Phonics. Lesson number 4, first set of sounds. At the end of this lesson, the students will be able to match given sounds with relevant objects, trace over the letter T, write the letter T, write the sound to complete the words. Yes, students, आपको पता है कि हम लोग जो साउंड्स है, फर्स्ट सेट ऑफ साउंड है, उसको रिकॉल कर चुके हैं. उसके जो लेटर नेम है वो हमें पता है. और अब हम आज रिटर्न एक्टिविटी करने जा रहे हैं. आज इसके लिए, रिटर्न एक्टिविटी के लिए, वर्कबुक पेज नंबर 4 और 5 करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. यस, ये वर्कबुक पेज नंबर 4 आपके सामने है. आप भी निकाल लीजिए. आपको याद है इससे पहले हमने लेटर एस की जो सी थी, और साउंड की और साउंड ए की हमने मैचिंग की थी डिफरेंट पिक्चर्स के साथ. इसी तरह आज हम इसकी भी मैचिंग करेंगे. तो आज नेक्स्ट 2 साउंड्स हैं. लास्ट टाइम हमने ये साउंड्स के साथ मैचिंग की थी. आज नेक्स्ट 2 साउंड्स की मैचिंग है. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, इसको पिक्चर को पहले देखें, इसे मेरे साथ प्रोनाउंस करें. ये पिक्चर क्या है? यस, ट्री, ट्री. तो लेट्स सी कि ये कौन सी साउंड्स से मिल रहा है. दिस इज ठ, ए, ठ, ए, ट्री. यस, ये मैच हो रहा है जी ठ साउंड के साथ. इट्स अ, व्हाट इज दिस? इट्स अ इंसेक्ट. इट इज एन इंसेक्ट. राइट. अब इसकी साउंड ई, तो क्या ये ठ के साथ मैच होगा? इंसेक्ट? नो, ये मैच होगा किसके साथ? ई के साथ. Spirit Jolly Phonics. Lesson number 4, first set of sound. At the end of this lesson, the student will be able to match given sound with relevant objects, trace over the letter T, write the letter T, write the sounds to complete the words. Yes. अब आज रिटर्न एक्टिविटी है. वंस अगेन, आज भी रिटर्न एक्टिविटी का डे है. वर्कबुक पेज नंबर 4 और 5 करेंगे आज हम. तो जी स्टूडेंट्स, अपनी वर्कबुक निकालें और पेज नंबर 4 खोलें. जी, ये पेज नंबर 4 है जी आपके सामने. एक्टिविटी है मैच द पिक्चर्स विद द गिवन साउंड्स. यस, यहाँ पे साउंड्स भी हैं और डिफरेंट पिक्चर्स भी हैं. आज हम इन्हें मैश करेंगे. तो अब आप पहले इनकी देखते हैं कि ये पिक्चर नेम क्या है. दिस इज अ ट्री, ट्री. तो यहाँ पे 2 साउंड्स हैं, ट, ई. तो ट्री किसके साथ मैच होगा? ठ के साथ. एब्सोल्यूटली राइट. ओके, यहाँ पे पिक्चर है जी टर्टल, टर्टल. तो ये किसके साथ मैच होगा? यस, टी के साथ मैच होगा जी. यहाँ पे जी टेडी बियर, टेडी बियर. तो टेडी बियर किसके साथ मैच होगा? ठ साउंड के साथ मैच होगा. बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट, ए. तो ये इंसेक्ट ए के साथ होगा जी. और यहाँ पे है जी इंचवर्म, इंचवर्म. ये किसके साथ होगा जी?
ए साउंड के साथ. यस दैट्स गुड जी. आप खुद से भी मैचिंग करें और फिर अपनी मैचिंग को यहाँ पे दी मैचिंग के साथ टैली करें कि आपने ठीक किया जी. जल्दी से करें. शाबाश दैट्स गुड जी. नेक्स्ट एक्टिविटी है 15 मिनट्स पे आपके पास हैं. इस एक्टिविटी को करने के लिए आप करेंगे ट्रेस ओवर द टी एंड देन ट्राई राइटिंग योर ओन. यहाँ पे आप पहले हॉलो लेटर है, हॉलो लेटर टी है, आप इसको ट्रेस करेंगे. यहाँ पे डॉट राइटिंग है, यहाँ पे आप ट्रेसिंग करेंगे डॉट टू डॉट को ज्वाइन करके. और यहाँ पे आप खुद से राइट करेंगे, इंडिपेंडेंट राइटिंग करेंगे. ठीक है जी. और लेट्स स्टार्ट. अब आपके टाइम शुरू हो गया और आप लिखना शुरू कर दीजिए जी. जी ठीक है जी. अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है. इसको भी आपने खुद से करना है. यहाँ पे ब्लैंक दी है, इसमें आपने साउंड लिखनी है और ये क्या बनेगा, ठीक अप, ठीक अप, ठीक अप, टेबल, टेबल. जी ठीक है जी. यहाँ पे भी आप साउंड लिखेंगे. और इसके बाद आपका होमवर्क है जी. होमवर्क वर्कबुक पेज नंबर 6 है. ये पेज नंबर पे उसी तरह से जैसे आपने टी लिखा और उसके बाद आपने उसकी अब आई लिखेंगे. आई के अंदर ये इसका पहले हॉलो लेटर लिखेंगे, फिर हॉलो लेटर के अंदर लिखेंगे, फिर ट्रेसिंग करेंगे और फिर आप इंडिपेंडेंट राइटिंग करेंगे. और इसी तरह ये वर्ड्स भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है जी. ओके स्टूडेंट्स, नीट हैंड राइटिंग में काम कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.